भैया आपने बहुत स्वागत है आपका हमारे घर में। इच्छा थी वो घर भी ढूंढ लिया के। अपने YouTube परिवार के सदस्य इतने दूर से मिलने आते हैं कि मेरे भाई की ऐसी हालत हो गई है। दोस्त खानदान ही चोर है हमारा, हम अकेले चोर नहीं है, बिना चोरी किए वापस आ गए हैं। बाकी सारे गांव वाले कटाई मडाई करेंगे। मैं और जो इधर साइड तबाही आई थी देख के मुझे डर लगता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से, और आज मैं सुबह सुबह आ गई हूँ किचन में क्योंकि मेरी मम्मी जा रखी है घर, तो मुझे बनाना है आज नाश्ता। चलिए, मैंने आटा गूंद के रख दिया है और चने उबाल के रख दिए हैं, तो अब सबसे पहले मैं चने के छोले बना लेती हूँ। और अगर आज बाहर के मौसम की बात करें तो कल भी धूप लग रखी थी, पर आज सुबह सुबह काफ़ी अच्छी धूप हमारे पूरे गाँव में लग गई है। तो अभी जितने में मैं अंदर नाश्ता बना रही थी, हमारे YouTube परिवार के कुछ सदस्य आए हैं मुझसे मिलने के लिए। तो भैया लोग अहमदाबाद गुजरात से हैं, ये लोग चार धाम की यात्रा पे आए हैं और कुछ नहीं पी रहे हैं। मैंने इन्हें बोला चाय पी लो, पर ये मना कर रहे हैं, ये नाश्ता वगैरह करके आए हैं। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे घर में। आप मैसेज कर दो, तीन दिन पहले से ही मैसेज किया हुआ था, बोले यहाँ से निकलेंगे तो ये रास्ते से निकलेंगे तो जरूर आएंगे। हाँ जी भैया से की बहुत इच्छा थी, वो घर भी ढूंढ लिया अकेले, तो चाय भी पी लो, लेट हो जाएंगे। तो भैया लोग चार धाम की यात्रा पे हैं इसलिए ये चाय वगैरह कुछ नहीं पी रहे हैं क्योंकि इन्होंने ऊपर गाड़ी छोड़ी है। तो काफी अच्छा लगता है जब अपने YouTube परिवार के सदस्य इतने दूर से मिलने आते हैं। तो आपको कैसा लगा हमारा गांव? वैसे आप बहुत बढ़िया, अच्छा है। रोज जो देखते थे रोज YouTube पे, बहुत अच्छा है। वैसे अभी ज्यादा टाइम आपको हुआ नहीं आए हुए, पर इतने में ही पता लग गया होगा कि गांव बहुत अच्छा है हमारा। दोबारा आइएगा आप जरूर। हाँ जी, तो अभी भैया लोग भी चले गए हैं क्योंकि उनकी गाड़ी ऊपर पे रुकी हुई है। नाश्ता मैंने आधा ही बनाया था जितने में मेरी मम्मी भी आ गई है और मेरी नानी भी, दोनों बैठ के नाश्ता कर रही हैं। तो अभी मैंने नाश्ता बना दिया है और आज के नाश्ते में मैंने बना रखा है छोले और साथ में है लौकी की सब्जी। और नाश्ता हमारा तैयार था और मम्मी ने चाय का पानी भी लगा दिया था, पर भैया लोगों ने कुछ नहीं खाया। और अभी मैंने नाश्ता भी बना दिया है और नाश्ता भी कर दिया। मेरी माँ ने नाश्ता खाया और सीधी चली गई है एक बार फिर से घर। बाकी अभी मेरे घर के बहुत सारे काम हैं जो मुझे निपटाने हैं। अभी मेरे घर के काम भी हो गए हैं और संजू भैया का कॉल आया है मुझे क्योंकि मेरा और संजू भैया का काम है मार्केट में, तो पहले मैं वो भी कर लेती हूँ, फिर मुझे उसके बाद मम्मी को लेने भी जाना है। और यहाँ की बात करें अगर, तो यहाँ अंदर चाची है, बाकी मेरी दोनों बड्डी जा रखी है खेत में। मेरी चाची अपने आप से बहुत कुछ सोच लेती है और अभी चाची के खेत का धान पका है, चाची बाद में जाएगी आराम से, बाकी मेरी बड़ी लोग सब जा रखे हैं। और मुझे जिनके साथ मार्केट जाना है वो उन्होंने मुझे तो बुला दिया है, बाकी अभी अपने कमरे से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जैसे भैया ने मेरी आवाज़ सुनी कि कुछ बोलेंगे, उससे पहले मेरे भैया बाहर आ गए हैं क्योंकि मेरे भैया मुझसे बहुत डरते हैं दोस्तों, डर के मेरे भाई की ऐसी हालत हो गई है दोस्तों। मुझ पे जो काली माता आती है उससे सभी डरते हैं। बहुत मुश्किलों के बाद अभी मेरे भैया भी निकल गए हैं मेरे साथ मार्केट की ओर। आज हमारे बहुत सारे काम हैं तो पहले उनको निपटा देते हैं। और काफी टाइम से यहाँ पे काम हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे लगातार पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं। धूप इतनी भयंकर हो रही है, लोग खेतों में काम कर रहे हैं इस धूप में, और मेरे और मेरे भैया की बस की इस धूप में मार्केट जाने की नहीं हो रही है। सबसे पहले हम आए हैं एटीएम में पैसे निकालने के लिए क्योंकि मेरे भैया के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं दोस्तों, पर भाई एटीएम उल्टा रख लिया और दोस्तों मेरे भाई को एटीएम रखना भी नहीं आ रहा है। देखो अपने पैसे भी नहीं निकाल पा इतने गरीब है कि एटीएम में मेरे भाई को पैसे नहीं दे रहा अपना एटीएम है ना अपने पैसे। वही तो, ऐसी हालत हो रखी है दोस्तों मेरे भाई की। भाई मैंने अटेंड किया। चलो मशीन ने तो रहम करा मेरे भाई पे, मशीन ने पैसे दे दिए और मेरे मेरे भाई को पैसे संभालने भी नहीं आ रहे हैं दोस्तों। तो अब यहाँ से हम जाएंगे जल संस्थान की ओर। भैया जाएंगे यहाँ से जल संस्थान में बिल जमा करने के लिए और मैं जाऊंगी इंटर कॉलेज में। और मैं जहाँ जाती हूँ ये वहाँ मेरे पीछे पीछे आ जाता है। वैसे ये स्कूल आ रखा है, इसने मुझे यहाँ देखा और सीधे आ गया यहाँ, और इसका दोस्त भी। और अभी मार्केट के हमारे सारे काम निपट गए हैं। सबसे खास बात कि हम पानी का बिल जमा करके भी आ गए हैं, तो अब हम जा रहे हैं घर। और अभी भेड़ बकरी पालकों का
टाइम भी हो गया है इनको जंगल ले जाने का, तो इनको सुबह ले जाना पड़ता है, बाकी शाम को आते हैं ये घर। और यहाँ पे कद्दू लग रखा है और मेरे भैया को ये कद्दू घर ले जाने का मन कर रहा है। दोस्तों हम तो ककड़ी चुराते थे पर भाई कद्दू भी चुराने लग गया है। पानी में रखिए, बड़ा करूंगा काल रात्रि में। नवरात्र में काम आएगा वो। और गन्ने की जो दूसरी प्रजाति होती है उसको हमारी गढ़वाली भाषा में जोनेलू बोला जाता है। तो भैया अभी इसको टेस्ट कर रहे हैं, बचपन में हम इसे बहुत खाते थे, तो अभी भैया देख रहे हैं ये वही है या नहीं है। तो भैया सारा खानदान ही चोर है हमारा, हम अकेले चोर नहीं है। बड़े बड़ों से हमने सीखा है कि चोरी कैसे करते हैं, हमारी बड़ी बहनें सिखाती है कि दूसरे के गांव में चोरी कैसे करते हैं, और भाई साहब सिखाते हैं कि अपने ही गांव में चोरी कैसे करते हैं, क्या है। तो दोस्तों जो हमने सोचा वो नहीं है, ये कुछ और ही है। तो अब संजू भैया बिना चोरी किए वापिस आ गए हैं। तो ऐसे भी चोर कभी कभी हो जाता है चोर के साथ कि गए चोरी करने और आए बिना चोरी करे, तो फिर ऐसी बातें कभी कभी चोर के दिल पे भी लग जाती है दोस्त। और अभी भैया जाएंगे यहाँ से अपने घर और मैं जाऊंगी अपने घर, तो बाय भैया। और दोस्तों भैया रुपए उड़ा रहे हैं। और मैं सोच रही थी कि मार्केट से आने के बाद अपनी मम्मी को लेने जाऊंगी, पर मेरी मम्मी शायद घर ही आ गई, कि मेरी मम्मी ने अंदर जो बिस्तर हमारे रह रखे थे सुखाने के लिए वो सब डाल दिए हैं धूप पे। और अभी मेरी नानी भी चली गई है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मेरी मम्मी आ गई होगी घर से, तो मेरी मम्मी आ गई है और मेरी माँ ने अब बारी आ गई है बिस्तर की, तो आज मेरी माँ ने बिस्तर सुखाने डाल दिए हैं। थोड़ी देर धूप में रहने के बाद मेरी तो हालत ख़राब हो रखी है, पर सामने इतने सारे लोग लगे हुए हैं मंडाई करने पे, बाकी सारे गाँव वाले कटाई मंडाई करेंगे, मैं और मेरी मम्मी बिस्तर सुखाएंगे। और अभी हो गई है और हमारे यहाँ एक बंदर है जिसने बहुत भयंकर आतंक मचा रखा है, वहाँ से मेरे दादा भगा रहे हैं और यहाँ से मेरी मम्मी हमें उठाने हैं इतने सारे कपड़े। अभी हमने घर के सारे कपड़े उठा दिए हैं, मेरी मम्मी जा रही है घूमने के लिए और मैं जा रही हूँ शौर्य के साथ। और आजकल हमारे गाँव के ये हाल है, सभी लोग खेत में जा रखे हैं और घर घर के ऊपर बंदर जो भी सब्जी वगैरह लगी हुई है वो बैठ के खा रहे हैं। और अभी यहाँ से हमारे साथ जुड़ गई है दादी और मेरी माँ मुझे भी अब घुमाने ही ले जा रही है। पिछली बारी जो इधर साइड तबाही आई थी उसमें कहीं कहीं पे लोगों के खेत रह रखे हैं और उसमें धान है, तो लोग उसी धान को काट रहे हैं। आज हम यहाँ से जाएंगे इस वाले रास्ते से अपने घर, अगर हमने नदी पार कर पाई तो। इसको देखकर इनकी हिम्मत भी नहीं है नदी पार करने की, तो अभी हम इसी रास्ते से जाएंगे। ये वाली रोड बनाई गई है पाले धौंतरी इस गाँव को जोड़ने के लिए। और डेट इतने हैं ये कि पास में भी जाके देख रहे हैं कि पार कर पाएंगे या नहीं। हिम्मत इन पे कम नहीं है, हिम्मत इतनी भयंकर है कि देखते हैं पार कर पाते हैं या नहीं। और बस बोलने की हिम्मत है इनकी, बाकी आ गए हैं ये वापस। अब रोड के रास्ते ही हम जाएंगे वापस, क्योंकि ये चले जाते हैं पर मैं नहीं जाती, मेरी हिम्मत नहीं है। पानी को देख के मुझे डर लगता है और इस पानी को देख के मुझे वैसे भी डर लगता है। और इधर साइड बहुत सारे लोगों के खेत थे, तो इस नदी ने से भी सारे खेत बहा ले गए और यहाँ से भी। और घूम फिर के अभी हम आ गए हैं घर। और जैसी मैं घर पहुंची वैसी मैंने देखा मेरी चाची खाने की चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करती रहती है, तो मेरी चाची ने बनाए हैं कद्दू के कोफ्ते। पहले सुनने में मुझे अजीब लगा, बट जब मैंने वीडियो देखी मुझे लगा कि मेरी चाची ने बहुत टेस्टी बनाए होंगे, तो जब मैं जाऊँगी तब चाची से ज़रूर बनवाऊँगी और वो वीडियो में इसमें ऐड कर रही हूँ। पता चाची हमारे घर की नई उभरती ब्लॉगर बन सकती है कुछ टाइम के बाद। हेलो, क्या बनाया आज खाने में? अरे सॉरी, अच्छा क्या स्पेशल बनाया भैया आपने? सुनने में तो अजीब ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या बनाया। हाँ, ओह देखने में तो बड़ा लजीज दिख रहा है यार। ना कैसे कैसे बनाया, क्या बनाया इसमें, क्या डाला? कद्दू के कोफ्ते हैं। हाँ, आपने एक बार कद्दू की ग्रेवी बनाई थी ना? हाँ, तो इसलिए मैंने आज कद्दू के कोफ्ते बनाए। नहीं कैसे बनाया, क्या है मतलब? कद्दू को कद्दूकस किया। ग्रेवी कैसे बनाई? ये ग्रेवी जो व्हाइट व्हाइट दिख रही है क्या? हाँ, क्या ये दही और थोड़ा सा बेसन डाला उसमें। वाह क्या बात है, दही और बेसन के। हाँ, देखते हैं भाई। बिट्टू कैसा लग रहा है बताओ, आपको कैसा लग रहा है मेरे कोफ्ते बनाए कद्दू के? आप
कब से शर्माने लग गए आप, कैमरा देख के कब से शर्माने लग गए, दादा भी देखेंगे आपके, देखने में तो बड़ा शानदार लग रहा है यार। ठीक है देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। चलो भाई, तो भाई लोगों देखते हैं टेस्ट करके कैसा बना है, नहीं अच्छा होगा, देखने में तो बड़ा शानदार दिख रहा है, तो खाने में भी अच्छा ही होगा। कैसा और अंश, अंश को तो बड़ा शानदार लगा भाई। बिट्टू अभी टेस्ट करेगी, बिट्टू टेस्ट करके बताओ बेटा कैसा हो रहा, मस्त हो रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लग रहा श्रीमती जी, बहुत बढ़िया बनाया आज। आपसे मिली प्रेरणा। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोगड़ा मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।